क्या कर रहे हो मम्मा किचन में? अरे आज सोच रही हूँ आलू के पराठे बना दूँ। अरे वाह, तो ये आलू के पराठे बनाने के लिए ना एक टिप भी दे देती हूँ कि आलू के पराठे बनाने हो ना तो माइक्रोवेव में आलू को उबालना चाहिए। अच्छा, माइक्रोवेव में उबालने से क्या होता है, वो ऐसे स्टिकी स्टिकी नहीं होते आलू। और या फिर आप अगर कुकर में उबालते हो ना तो थोड़ी देर फ्रिज में रख लेने चाहिए। तो ये मैं एक्चुअली आलू मैंने भी इसी में उबाले हैं और मैंने तो ये मसाला तैयार करके रख लिया है। इसमें प्याज डाले हैं, हरा धनिया, हरी मिर्च डाली है और मसाला डाला है इसमें मैंने। वो क्योंकि हरा धनिया डाल लिया ना इसलिए सूखा धनिया वनिया नहीं डाला, सिर्फ इसको ऐसे ही बनाया है, सिंपल रखा हुआ है इसको। नमक मिर्च डाला है इसमें सिर्फ। और ये जो एक्स्ट्रा और उबाल रही हूँ ना, ये लियो के लिए उबाल रही हूँ, इसको आलू बहुत पसंद लियो किधर है? हमारा मसाले का तैयार हो गया था तो लियो आलू खा लो। लियो आलू ही खा रहा है। निक्की आलू ले लो, आलू आ जाओ। देखो ये देखो 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 ये देखो देखो देखो, भाग के आया, भाग के ये आया। लिक्की कहाँ गया? लियो आलू खा लो। लियो, ये देखो, ये आलू ही खा रहा है। ये देखो आलू ही खा रहे हैं आलू महाराज, ही खा रहा है। है ना, तो इसके लिए नए उबाले आलू। देखो आलू खा रहा है, गर्म है ना इसलिए निकाल निकाल के खा हाँ, रहा है। और उसके बर्तन में क्या पड़ा हुआ है वो नहीं खा रहा, बर्तन में आलू है अच्छा तो वो खा रहा है। लिक्विड से क्या है, पानी है शायद, ओके ओके। कुछ तो ये है। आलू इसके लिए लियो के लिए है और ये मैं इसका मसाला तैयार कर चुकी हूँ। मैं इस तरह से माइक्रोवेव में करती हूँ, पानी कम डालना चाहिए माइक्रोवेव में। ऊपर इसका ढक्कन लिड है, उसको थोड़ा लूज रखते हैं, बंद पैक करके कभी नहीं उबालना चाहिए। और ये चलिए बताओ ये मसाला क्या मेरा है, तैयार हो गया। ये मैंने मंगाया है एल्केलाइन, कैंट का नया निकला है ये। एल्केलाइन वाटर बनाता है, इसमें 3 लीटर का है, यहाँ एल्केलाइन वाटर हो जाता है। कहते हैं एल्केलाइन वाटर बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। हमारी बॉडी में क्या है, अंदर सारे जूसेस वगैरह एसिडिक क्रिएट करते हैं एनवायरनमेंट, मतलब वो, तो ये जो है ना बहुत अच्छा रहता है एल्केलाइन। तो चलो ये अब पराठे बनाने शुरू देखो करते लियो हैं। इधर आ गया, अब वो खा के फिर आ गया मांग। लियो को देखो, आलू आलू इसको सूंघने का बड़ा है, देखो आलू को सूंघ रहा है ये। चलो अब ये शुरू करती हूँ मैं बनाना। गैस ऑन, तवा रख दिया गया है, इसको देखो। इसको ऑन करूंगी तो आवाज होगी, करो एक बार, बहुत तेज आवाज होगी। लेकिन आलू के मसाले में मैं प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च जरूर डालती हूँ, और लाल मिर्च डालो या मिर्च के फ्लेक्स डाल लो तो भी अच्छे होते हैं। देखिए आटे को अच्छी तरह से पेड़ा लेके और इसको थोड़ा सा बेल के खूब अच्छा सा आटे की इसकी लोई ले, खूब सारा आलू क्या होता है स्टिकी होता है, तो इसका जो पराठा है वो फटता नहीं है जल्दी से। और इसको देखिए ऐसे इस तरह से, और आटे को थोड़ा सा नरम ही गूंदने तो ज़्यादा अच्छा रहता है। हार्ड आटे के आप बनाएंगे तो जो है वो फटने लग जाता है पराठा। एक और टिप यहाँ मैं आपको देती हूँ, अगर आपका आलू जो है वो थोड़े से गीले हों तो आप उसमें थोड़ा सा आप ये सूखा आटा मिला लें तो उससे वो थोड़े से सूखे सूखे हो जाते हैं, और जब हम उनको सेकते हैं ना तो वो आटा मसाले के साथ ही सिक जाता है, तो आपके जो पराठा है वो फटेगा नहीं। अगर आलू बहुत ज़्यादा स्टिकी और कई बार स्टार्ची और गीला होता है ना। देखिए लियो जी भी, जब तक मैं किचन में काम करती रहती हूँ ना, आटे की इसको खुशबू आती रहती है ना, तो ये उतनी देर किचन में ही बैठा रहता है मेरे पास, जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ जाता है ये सारा दिन। ये देखिए, ये मैं गुजरात से लाई थी, ये खाखरा बनाने के लिए होता है एक्चुअली, वैसे ये खाखरे के लिए सही होता है, मैं इसको ट्राई करके देख रही हूँ। और ये मेरा पराठा तैयार हो गया और ऊपर से इसमें मैंने घी लगा दिया है। पराठे के ऊपर घी हम लोग ज़रूर लगा के खाते हैं, हमें आदत है, या फिर ताज़ा बना हुआ मक्खन होता है ना जो मलाई का, वो खाते हैं या फिर घी लगा के खाते हैं। बिल्कुल ऐसे लेना पराठा, हमें स्वाद नहीं लगता है। उसके साथ फिर दही और हरी चटनी लेके खाओ या फिर मिर्च का अचार खाओ तो बहुत स्वाद लगते हैं पराठे। देखिए इस तरह से ये सारे पराठे तैयार कर लूँगी मैं। वैसे मुझे आदत है कि मैं सबको एक एक गर्म गर्म पराठा खिलाती हूँ, लेकिन फिर अब वीडियो के लिए बना के फिर हम इकट्ठा बैठ के भी खा लेते हैं कई बार खाना हो, लेकिन ज़्यादातर मेरी आदत है फटाफट सबको पराठे दे के फिर साथ ही मैं भी बैठ जाती हूँ खाने के लिए, डाइनिंग टेबल पे उनको सर्व कर करके सबको।
और जब उनका लास्ट सबका बचा होता है साथ में मैं भी खाने लग जाती हूँ। तो देखिए इस तरह से फटाफट मेरे पराठे बनते चले जाते हैं, क्योंकि मसाला ज़्यादा स्टिकी नहीं है तो ये अच्छे से बनते हैं। और प्याज अगर इसमें डला हो ना तो ज़्यादा टेस्ट आता है इसमें आलू के पराठों में। और अगर आपके पास अनारदाना हो ना, उसको पीसे नहीं, साबुत अनारदाना डालें तो भी इनका जो टेस्ट है बड़ा एनहेंस होता है। और हरा धनिया इनमें बहुत अच्छा रहता है। तो देखिए अब मेरे सारे पराठे बन के तैयार हो गए हैं और चिमनी को मैं बंद कर रही हूँ। ये इस तरह से ना, ये हाथ से भी होती है, मोशन से भी, इसमें मेरे को बड़ी दिक्कत लगती है, तो मैं तो फटा बटन से ही कर देती हूँ। और देखिए अब ये तैयार है, दही भी हमारा तैयार है। और बस अब हम दही को सर्व करेंगे, हरी चटनी लेंगे और पराठे खा लेंगे बस। तो हम लोग जो है ना पंजाबीज हैं, हम लोग मॉर्निंग में ना पराठे, हम लोग नाश्ता हम लोग पराठों का ही करते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।